यदि कोई सांप जहरीला नहीं भी है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह से कोई व्यक्ति कमजोर है तो भी उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करते रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट लेकर के आपके बीच आ गए हैं। सेट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे, जो कि जैक बोर्ड क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, चलिए आज का जो क्लास है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने काफी मेहनत से उसको आपके लिए सेलेक्ट सेलेक्ट करके आपके बीच जो है सो लेकर के हम आते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आज का, वो क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। अ सिंपल ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, और इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया गया है आपको। ए ऑप्शन दिया गया है जनगणना, बी है निर्देश, सी है राज्य, और ऑप्शन डी है प्रश्नावली। ठीक है, सेंसिस, सैंपल, स्टेट और क्वेश्चनायर, यानी कि ये चार ऑप्शन आपको हम इंग्लिश में भी दिए हैं, हिंदी में भी दिए हैं। ठीक है, कल का जो क्लास था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आपको हिंदी में क्वेश्चंस को करवाया था, लेकिन हिंदी आपका जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या फिर उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश में हमने आपको साथ साथ जो है सो प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको इससे सहायता अवश्य मिलेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये जो बी ऑप्शन है सैंपल यानी कि निर्देश, ये हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये कहता है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है। ठीक है, विच ऑफ दीज वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, यानी कि चर खंडित आपको बताना है इसमें से कौन है, वेट है, हाइट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या फिर नन, कौन होगा यह आपको बताना है। हिंदी में आप लोग जो है सो देख पा रहे होंगे, वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या और अन्य। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आपको भी ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आपको आता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेरिएबल बताना है, वेरिएबल आर यहाँ पे डिस्क्रीट। ठीक है, तो छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है। ये है आपका, किसी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। पूछा है कि हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसने जो है वेलफेयर ओरिएंटेड जो है सो इकोनॉमिक्स इसका जो है सो यहाँ पे दिया था। ठीक है, ये आपको बताना है किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी जो परिभाषा है इकोनॉमिक्स का वो दिया था। ये आपका यहाँ पे पूछा गया है, हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है एडम स्मिथ, सेकेंड यहाँ पे है अल्फ्रेड मार्शल, थर्ड है जे एम केन्स, और ऑप्शन नंबर डी है इरविंग फिशर। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, इसमें से जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अल्फ्रेड मार्शल। तो ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल का यहाँ पे नाम आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण बताना है यहाँ पे, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर आर। ठीक है, कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है संकलन, बी है विचरण, सी है वर्गीकरण, और ऑप्शन डी है निजीकरण, यानी कि कलेक्शन, इसके बाद वेरिएशन, क्लासिफिकेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है,
चार ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, इसमें से सही क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निजीकरण। तो इस पे आपको टिक लगा देना है डी नंबर ऑप्शन पे, जो कि है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ठीक है, ये है भारतीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछा है कि कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, चार ऑप्शन देख सकते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, तो कहाँ पे है? ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इसने पूछा है कि इनमें से नगद फसल कौन है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ कैश क्रॉप। ठीक है, पैडी होगा, वीट होगा, कॉटन होगा या नन होगा, कौन होगा बताना है आपको। तो दोस्तों जो नगदी फसल यहाँ पे है इसमें से, वो है आपका कपास। और फसल के बारे में अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने किया था, बहुत मतलब पहले ही किया था, 2 से 3 महीना पहले किया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक हम लोग जो है सो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हम पिन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉटन है ये हो जाएगा नकदी फसल। और फसल के और कितने प्रकार होते हैं सबको हमने वहां पे कर लिया था, तो वो वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न, तो आप लोग आसानी से कर पाइएगा, तो भी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ये कहता है कि विश्व बैंक किस अन्य बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस अन्य नाम से जो है सो हम लोग विश्व बैंक को जानते हैं। दोस्तों जो विश्व बैंक है ये वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा हम और यहाँ पे आपको बता दें, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको करवा देते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों चीज यहाँ पे याद रखना है आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, विश्व बैंक को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर और किस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है IFM, बी UNO, सी ऑप्शन IDBI, डी ऑप्शन IBRD। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा IBRD, इसी के नाम से जो है सो हम लोग और जानते हैं वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, आपको IBRD का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा कौन सा होगा, द बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए एक बार, द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा होगा, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, या फिर लो एकेडमिक लेवल यानी कि शिक्षा का निम्न स्तर, या फिर ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही बात है, बढ़ती जनसंख्या भी है, ब्रेन ड्रेन भी है, शिक्षा का निम्न स्तर भी है, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ना, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, इसी पे आपको टिक करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपका क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यहाँ पे बताना है कौन सा होगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है कॉमर्शियल सोर्सेज यानी कि वाणिज्यिक स्रोत, नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज यानी कि गैर वाणिज्यिक स्रोत। ठीक है, सी है ए एंड बी बोथ, डी यहाँ पे है नन। तो दोस्तों बताना है आपको इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो ये वाला ए एंड बी यानी कि कॉमर्शियल भी होगा और नॉन कॉमर्शियल बोथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। ये कहता है कि सरकार के द्वारा जो कर व्यक्ति के आय पर लगाई जाती है,
वो कर क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार का कर होता है, किस प्रकार का टैक्स होता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, उपहार कर या संपत्ति कर। तो दोस्तों इसमें से जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर, ठीक है। हमारे इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है ना वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स के बारे में भी हम जो है एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे, जहां पे आपको बता देंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, उपहार कर क्या होता है, संपत्ति कर क्या होता है, और कर संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं ना सबको करवा देंगे एक सेपरेट वीडियो, इसका हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।